हेलो, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह से हो रही है, तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी के यहाँ से शुरू हो। और आज की राइड करीबन 70 किलोमीटर है, तो 70 किलोमीटर राइड है। आज संडे है, तो संडे की ऑफिस ऑफ है, तो राइड बनती है आज। तो आज अपन राइड पर जा रहे हैं, अपने साथ एक बंदा और जुड़ेगा, तो वो बंदा अपन से जुड़ेगा करीबन यहाँ से 10 किलोमीटर दूर से। तो अपन घर से निकल गए, थोड़ा लेट हो गया था आज, क्योंकि सुबह सुबह मॉर्निंग में लाइट कट गई थी और आंधी तूफान टाइप माहौल बन गया था। राइड कैंसिल होने पर आंधी तूफान एकदम हट गया है, मौसम एकदम साफ सुथरा हो गया, एकदम मौसम। सर्किल पहुंचने वाले हैं अभी, अपन बावटा ब्रिज पर हैं। तो सुबह सुबह का सूर्य उदय होने वाला, बोले तो सन राइज होने वाला है। लेट हो गया, करीबन 6:30 बज चुके हैं, और 6:30 बजे आज क्लोज नहीं हो जाते, निकलना 6 बजे था, पर लेट हो गया, क्या करें, हो रहा है। तो अपन लोग अभी ट्रैफिक से निकल चुके हैं बाहर, थोड़ा सा ट्रैफिक ख़त्म होते फिर अपन थोड़ी स्पीड खींचेंगे, थोड़ा फास्ट खींचेंगे, तो जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे। मस्त वाली हरियाली आ रही है, एकदम मस्त वाला व्यू आ रहा है। तो आप लोग एंजॉय कर रहे हो, सुबह सुबह लोग वॉकिंग कर रहे हैं, और अपन लोग आज संडे की राइड कर रहे हैं। अभी जोधपुर में कारें खूब से, हर घर के आगे कारें पड़ी, हर तो कुछ भी उसके आगे कार, 100% कार 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 कार। तो अपन लोग आ चुके हैं मंडोर के पास, तो अपन मंडोर में तो चलेंगे नहीं, तो मंडोर ब्रिज अपन को चढ़ना है। आपका अपना डेस्टिनेशन है ओसिया, तो ओसिया के लिए ये इधर मंडोर चला जाएगा, और इधर अपना डेस्टिनेशन ओसिया वाला चला जाएगा। तो अपन अभी चढ़ चुके हैं ब्रिज, और सूर्य भगवान के जोरदार दर्शन हो रहे हैं अपन लोगों को। तो सूर्य भगवान को प्रणाम करते हैं और जर्नी फिर से शुरू करते हैं अपनी। और क्या सॉलिड सूर्य आ रहा है, तो आप सोच सकते हो कि तक टॉप वाला सूरज आ रहा है। तो आप लोग सूरज देखो, एंजॉय करो। अभी अपन दहीजर नौ मील रास्ते में पहुँच चुके हैं, तो अभी नौ मील रास्ता चल रहा है। सुबह ट्रैफिक थोड़ा कम है, और सूर्य भगवान की रोशनी जैसे जैसे तेज होती जा रही है। ओसिया माता के मंदिर और डेजर्ट, मैंने आपको बता दिया कौन कौन ओसिया माता के अभी तक दर्शन कर रखा है। तो जो भी दर्शन कर रखा है, तो वो बंदा हम लोगों को बताएगा ओसिया में क्या दर्शन कर। मैं पहले गया हूँ, ये नहीं कि नहीं गया हूँ। तो अभी और ओसिया चलते हैं, आज संडे है, तो संडे राइडर निकल चुके हैं, हम लोग लेट हो चुके थे, इसलिए वॉइस क्या कह सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जोधपुर में जितनी यूनिवर्सिटी होगी ना, उतनी यूनिवर्सिटी कहीं पर भी नहीं है। और जोधपुर पहाड़ों के बीच में बसा हुआ शहर है। अपना यहाँ कोई टोल टैक्स लगना नहीं है, बाइक का सबसे बड़ा फायदा ही है, बाइक का कोई टोल टैक्स लगता नहीं है। और चलो रोड छाड़ते हैं, गाड़ी छाड़ते हैं। एक और टोल प्लाजा शुरू, इतनी सी दूरी में दो टोल टैक्स आ चुके हैं। डेजर्ट कैंप जाने का रास्ता इधर है भाई, तो अपन अभी पहले दर्शन करके आएंगे, फिर अपन डेजर्ट कैंप में जाएंगे। तो अभी अपन एक बार जोर से कमेंट बॉक्स में लिख दो, जय माता दी, भर दो आज कमेंट बॉक्स को, जय माता दी। कितना प्यारा सुंदर मंदिर दिख रहा है, लाल दर्जा लगी हुई। तो अपन गाड़ी सेट अंदर ले जा सकते हैं, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। पुरानी सी बिल्डिंग बनी हुई है इधर, 8J19 स्वीट।
सुबह सुबह का मार्केट चालू हो चुका है, मार्केट खुलना शुरू हो चुका है, तो अपन लोग सुबह सुबह जल्दी जल्दी माता जी के दर्शन कर लेते हैं। भाई पता नहीं कहाँ गाड़ी डालेगा, सुबह सुबह लोग यात्रु आ जाते हैं धीरे धीरे करकर, और अभी मार्केट खुला नहीं है, लोग दर्शन कर आ चुके हैं, तो अपन भी दर्शन के लिए जा रहे हैं सुबह सुबह। लोग दर्शन कर आ चुके हैं, वापस रवानगी कर चुके हैं, तो अपन भी दर्शन के लिए जा रहे हैं। गाड़ी कहाँ लगाएंगे यार, दस मिनट में आ जाएंगे वापस। तो अपन लोग पहुंच चुके हैं माता जी के, तो दर्शन करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो अभी अपन ने अच्छे से दर्शन कर लिए, तो अभी अपन वापस रवानगी कर रहे हैं, तो डेजर्ट चलेंगे। तो मार्केट में अच्छे से दर्शन हो गए, इतनी भीड़ भाड़ नहीं है, शांति है सुबह सुबह, तो अच्छे से दर्शन हो गए। चाची जान का रिएक्शन, अभी सुबह सुबह तो थोड़ी शांति सी है, ऐसा कुछ है नहीं, पर अच्छी जगह है, एकदम शांत जगह है, और आपको थोड़ी शांति मिलती है, और माँ से जो भी आप मांगते हैं तो माँ तो हमेशा अपने बच्चों का ध्यान रखती है और बच्चों की मनोकामना पूर्ण करती है। अगर आप भी की कोई मनोकामना है तो आप मनोकामना मांग सकते हो, पूर्ण करा सकते हो। अभी अपन जा रहे हैं डेजर्ट कैंप, तो आपको डेजर्ट जाने के लिए ये रास्ता जाना पड़ेगा। तो ये डेजर्ट जाने वाली रोड है, तो अपन डेजर्ट के लिए निकल चुके हैं, तो अपन रेगिस्तान की जहाज घूमकर आएंगे। तो ये है कैंप थार, तो आपको इधर से चलना पड़ेगा। अगर आप आते हो तो आप फैमिली के साथ तो गाड़ी ले सकते हो, और अगर खुद अकेले आते हो तो फिर आप ऐसे जा सकते हो। अभी कुछ है तो कुछ भी नहीं है, फिर भी आप जा सकते हो। आप कैंप थार बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है इधर। अभी ऑफ सीजन है, तो फिर ऑफ सीजन में कुछ भी होता नहीं है, तो कैंप थार ये वाला है। तो अभी हम लोग यहाँ पर घूमने आए हैं, तो अभी आप देख सकते हो राजस्थान के ऊंट, और ये जो डेजर्ट है, तो यहाँ अच्छे से घूम सकते हो, फन कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। आ चुके हैं और वापस जा रहे हैं, बहुत मज़ा लिया और बहुत मज़ा आया। तो ओसिया में यही मज़ा है भाई, आप एक माता रानी के दर्शन करो और एक रेगिस्तान के मज़े लो। अभी सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम है, तो मिट्टी बिल्कुल ठंडी थी, इतनी गर्म नहीं होती, बाकी दिन में है तो भाई आप पाँव अंदर डालना सीख जाओगे, मतलब रोटी सेक सकते हो या अंडे बॉइल कर सकते हो, इतना हॉट होता है। तो ओसिया को बाय बाय टाटा कहने का टाइम आ गया है, तो आज हम ओसिया को वापस बाय बाय टाटा ओसिया कहते, फिर मिलेंगे। माँ का अगर आशीर्वाद आया तो माँ बुलाएगी, तो फिर आना पड़ेगा। अभी आप हम लोग नौ मील पहुँच चुके हैं, और नौ मील रास्ता बिल्कुल सुनसान था, तो इतना सूट मैंने किया नहीं, क्यों ऐसा बोरिंग वाला रास्ता हो रहा था, तो इसलिए मैंने सूट किया नहीं। सीधी सीधी रोड थी और कुछ था ही नहीं, ना ही कोई आदमी दिख रहा था, ना ही कुछ भी दिख रहा नहीं था। थोड़ी बहुत चहल पहल हो तो सूट करने का मज़ा था, बिना चहल पहल के सूट करने का कुछ भी मज़ा नहीं आता है। तो आज की राइड बहुत अच्छी हो रही है, अभी तक राइड बहुत अच्छी गई है, आगे भी अच्छी जा रही, प्यारी रोड आ गई है, और प्यारी रोड पर गाड़ी तो भगाने को मांगती है भाई। और ये हाईकोर्ट रोड है,
इससे अच्छी रोड पूरे जोधपुर में कहीं पर भी नहीं है। अगर आपके नज़र में कहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और आपके नज़र में नहीं है तो फिर आप मुझे नहीं बताओगे। तो आज की राइड यहीं समाप्त करते हैं, और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पुश करो। मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय।